मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कई दिनों बाद सोशल मीडिया पर फिर से लौट आया हूं आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए। स्क्रीन पर जो दिखाने जा रहा हूं देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मुसलमानों से एक अपील है, अगर आप अंधविश्वास से बचना चाहते हैं, रास्ते से भटकना नहीं चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका दिल और दिमाग खोल कर रख दूंगा। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, बाबा की तस्वीर, ये बाबा लोगों के मन की बातें पढ़ लेते हैं, मन के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो भी बता देते हैं। और ये कारनामा लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, चौंक उठते हैं, इस तरह करते हैं, ऐसा लगता है ये कोई नई चीज है। और एक मुस्लिम औरत स्टेज पर गई थी, मन की बातें बताने लगे बाबा ने, तब मुस्लिम औरत वहीं पर स्टेज पर ही ईमान से इस्लाम से हाथ धो बैठी और हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म वहीं पर कबूल कर लिया। कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ये बाबा चीटिंग करते हैं, पहले लोगों से मिल लेते हैं, जानकारियां ले लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं फेसबुक से डिटेल्स ले लेते हैं, उसके बाद ये बाबा बताते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, बाबा सच में बताते हैं, मन की बातें बता देते हैं। लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे मन की बातें बाबा को पता चल जाती है, बाबा कैसे बता देते हैं। आज की इस वीडियो में यही सब बताने वाला हूं, आखिर बाबा को कैसे पता चल जाता है और ये क्या ये कोई नई चीज़ है जो लोग इस तरह चौंक रहे हैं, और क्या सिर्फ यही बाबा इस तरह करते हैं? नहीं, आप देख सकते हैं और एक बाबा को देखिए, वो भी बिल्कुल इसी तरह करते हैं। और देखिए सुहानी शाह, आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आप इनके चैनल पर चले जाइएगा, ये भी उसी तरह करते हैं। मन के अंदर जो बातें चल रही होती है पढ़ लेती है ये महिला और बता देती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये लोग हमारे मन की बातें कैसे जान लेते हैं, तो इसका जवाब दो तरह से देना चाहता हूँ। और ये जवाब आज नहीं, कल नहीं, 1400 साल पहले दिया जा चुका है। जो मुसलमान लोग पढ़ते नहीं हैं और सीरत नबी पढ़ते नहीं हैं, कुछ सुनते नहीं हैं। देखिए सबसे पहला जवाब आप देख सकते हैं, बहुत पहले एक किताब लिखी गई थी जिस किताब के अंदर ये बताया जाता है, जब इंसान जन्म लेता है एक जिन्नात भी जन्म लेता है और उस इंसान के बारे में बचपन से बुढ़ापे तक सब कुछ पता रहता है जिन्नात को। ये लोग क्या करते हैं, जिन्नात से कॉन्टैक्ट करते हैं और पूछते हैं। अब कैसे पूछते हैं वो नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन बताया जाता है कि उसी जिन्नात से सब कुछ मालूम कर लेते हैं कि इसके मन में क्या है। अब वो जिन्नात मन की बातें कैसे जानते हैं, आप देख सकते हैं एक मौलाना की वीडियो है जो 5 साल पहले यूट्यूब पर डाला हुआ है। आप टाइटल लिखिए यूट्यूब पर और सर्च मारिए और वीडियो आप देख सकते हैं। ये मौलाना बताते हैं 1400 साल पहले की बातें, ये मौलाना बता रहे हैं इस वीडियो में, और ये बता रहे हैं कि कैसे वो लोग जान लेते हैं। ये मौलाना साहब बता रहे हैं कि जो जिन्नात हैं इंसानों के खून में दौड़ता है, रगों के अंदर, खून के अंदर, दिल के अंदर तक दौड़ता है। दिल के अंदर मन में क्या कुछ चल रहा है जिन्नात पता कर लेता है, और ये लोग उसी जिन्नात से पूछते हैं यानी मालूम कर लेते हैं और बता देते हैं। मतलब ये कोई कृपा नहीं, भगवान की कृपा नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, ये एक आम चीज़ है। अगर आप जानते हैं कॉन्टैक्ट कैसे किया जाता है, जिन्नात से कैसे बात की जाती है, अगर आप जानते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, कोई कृपा, कोई चमत्कार नहीं है। अगर आप जानते हैं तो आप भी कर सकते हैं, माइंड पढ़ सकते हैं, दिल की बातें आप भी पढ़ सकते हैं जिस तरह सुहानी शाह पढ़ती हैं। और ये खुद कहती है ये कोई कृपा और ये कोई चमत्कार नहीं है। अगर आप जानते हैं उस कला को तो आप भी कर सकते हैं। और झाड़ फूंक वाले वो भी करते हैं, हमने देखा है, अपनी आँखों से देखा है। इसीलिए बताना चाहता हूँ मुसलमानों से, ये सब चमत्कार देखकर जो कर रहे हैं, कारनामे को देखकर आप हैरान मत हो जाइएगा, और जिस तरह ये औरत इस्लाम से हाथ धो बैठी उस तरह आप मत करिएगा। ये सिर्फ दिखावा है और कला है, ट्रिक है। और जिस तरह बताया इस मौलाना वीडियो में बता रहे हैं कि जिन्नात के ज़रिए मालूम कर लेते हैं,
वही सब है। बाकी आपकी राय क्या है इस पूरी वीडियो पूरी रिपोर्ट को लेकर कमेंट में जवाब दे सकते हैं। जो नए आए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी करिए। फिर आऊँगा किसी दूसरी वीडियो के साथ।